मोबाइल ही देखती रहोगी या पढ़ाई भी करनी है? पिताजी, मैं जितना मोबाइल देखती हूँ उतना पढ़ाई भी तो करती हूँ। हाँ, मेरी बेटी बहुत होनहार है। तू तो है मेरी गुड़िया बेटी, पर अब लाड़ साहब भी थोड़ा संभल जाए तो मन को थोड़ी शांति मिले। पिताजी, आपको तो पता है भैया कैसा है। क्या वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं उससे कुछ नहीं होता है बेटी, परिवार की भी कुछ ख्वाहिशें होती है। जी, मैं ना कहती हूँ, आप उससे एक बार बात करके देखिए। आज तक उसने जो भी मांगा है मैंने दिया है, क्या मुझे हक नहीं उससे कुछ मांगने का? क्यों नहीं है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या उसने कभी आपसे कहा कि आपका हक नहीं है? बस उसे अच्छे से समझने की जरूरत है। और पिताजी, भैया पढ़े लिखे आदमी है और एक समय के बाद तो बच्चों का भी हक होता है कि वो कुछ फैसले खुद ले सके। और मतलब अब तुम लोगों को मेरी कोई जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं खूब समझ रहा हूँ क्या मतलब है इन बातों का। नहीं नहीं, आपको गलत लग रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। हम भी आपको दुख देना नहीं चाहते हैं पिताजी। मैं भी तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूँ, हमेशा तुम लोगों को सुखी देखना चाहता हूँ, खुश देखना चाहता हूँ और अपने संतान को अपने पास देखना चाहता हूँ। क्या गलत चाहता हूँ मैं? पिताजी, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आपको दुख देके हम कैसे खुश रह सकते हैं? आप दोनों ये क्या बातें लेके बैठ गए? चलिए खाना लगाती हूँ, खाना है। महक, तू आ मेरी मदद कर, आ जा, आइए। कभी कभी तो एक भी दाना नहीं निकला जाता है मुझसे। पिताजी, आपने मुझे क्या बोला था, अन्न पर गुस्सा नहीं निकालते। चलिए आप अभी। वाह, अपने बाप को ज्ञान देने लग रही है। सच में बहुत ही बड़ी हो गई है मेरी गुड़िया। चल। ओए बल्लू, एक कप चाय देना यार, इतना देर लगता है। खाना खाया तूने? अरे नहीं यार। क्यों, कोमल के साथ झगड़ा हुआ क्या? कैसे झगड़ा होगा यार, बात ही कहाँ होती उससे आजकल। अच्छा, तू मेरा घर जा पाएगा आज? कुछ काम था तेरे साथ? आज नहीं यार, आज घर पे कुछ काम है, कल आता हूँ मैं। वैसे कोमल के साथ बात क्यों नहीं होती? छोड़ यार ये सब, तू आजकल क्या काम कर रहा है? काम मतलब भाई के साथ बस दुकान में हाथ बटा दिया करता हूँ। क्या यार हाथ बात, तेरा भाई तुझे पैसा देता है? अरे मैं अपने दुकान में हाथ बटाता हूँ, तू ये सब क्या बोल रहा भाई? भाई साहब, हाथ बात से कुछ नहीं होता, पैसा चाहिए पैसा। हाँ। देख, एक समय आता है जब जीवन में अपने अपने परिवार के लोग आम लोगों से मतलब अपने लोग ही काम आते हैं, एक समय आता है। आप मेरे सामने अभी ये गाना बिल्कुल मत गाइए, ठीक है? तू भूल गया है कि मैं भी सब कुछ छोड़ के चला गया था, लेकिन टिक नहीं पाया ना। हाँ, टिक नहीं पाया क्योंकि अपने लोगों को छोड़ना नहीं था। अभी टिक नहीं पाया, अब ये इमोशनल होकर समझाने की कोई जरूरत नहीं, अपने लोग तू समझेगा नहीं, तुझे समझ नहीं आएगा, मुझे भी समझ नहीं आया था, लेकिन अब मैं सब समझता हूँ। हाँ तो भाई साहब, आप एहसास में रहिए, मैं चला, ठीक है? शकुंतला, जल्दी करो। हाँ माँ, जल्दी खाना लाओ ना। माँ, मैं खाना अंदर ही खाऊंगा। खाना अकेले खाने वाली नहीं, एक साथ बैठकर खाने वाली चीज होती है। बेटा बैठो, एक साथ खाना खाओ। नहीं माँ, मैं अंदर ही खा लूंगा। भैया आओ ना, हमारे साथ बैठ के खाओ। नहीं मैं, तुम खा लो। देखा कितनी बदतमीजी से बात करने लगा है ये, उसको इतना पढ़ा लिखा कर क्या फायदा हुआ है? अगर ऐसा ही दिन देखना था मुझे। आप थोड़ा शांत हो जाइए, बेटा बड़ा हो गया है हमारा और इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, कभी शर्म आता है मुझे खुद पे। इतनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को, इसलिए तो मैं कहता हूं कि मैं शहर चला जाऊं ताकि आप लोग सुकून से रह सकें, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो बोलने का शौक है। बस और कितना इल्जाम लगाएगा तू हम पे? दिक्कत तो तुम्हें हो रही है हमारे साथ रहने में,
आज तक तुमने जो मांगा पापा ने तुमको लाके दिया। दूर ना हो जाओ इसलिए ये घबराते हैं, पर तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज तक जो फैसला किया है किसी ने तुम्हें कुछ नहीं बोला, आज भी खुद ही करो। मैं खाना लगाती हूँ। मेहनत ही जीवन का मोल है, मेहनत जहाँ उन्नति वहाँ, है ना? ऐसे तो गाधे भी काम करते हैं, लेकिन उसकी उन्नति तो तुम सब लोग जानते हो। गाधे की जैसे काम मत करो, बस घोड़ा बनना है घोड़ा। मेहनत वहाँ होना चाहिए जहाँ कोई लाभ हो, नहीं तो दिन भर घिसते रह जाओगे और कुछ फर्क भी नहीं पड़ने वाला। इसीलिए कहता हो मेरे बातें सुना करो, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं तुम्हारे कान कौन भर देता है। मुझ पे विश्वास रखा करो, ऐसा काम किया करो जिसमें खुद मेहनत करो और खुद का लाभ हो, ठीक है? अरे गुप्ता जी, आपकी बात ही निराली है। हाँ, आपका आशीर्वाद रहे तो गधों भी मालिकों वाला काम करने लगे, क्यों? ठीक है, आप लोग चलिए। अरे राम जी, अभी ना बस तारीफ के पुल बांधते नहीं थकते। और आप थकते नहीं थकते जी? मेरा मतलब है, कोई नया बकरा मिला है क्या? मतलब अरे आप ही ने तो कहा था कि कोई एक नई बकरी खरीदेंगे। वही तो देख रहा हूँ, मिल जाता एक अच्छा सा। ठीक है, मैं चलता हूँ, बहुत काम है मुझे। हाँ हाँ चलिए। पीढ़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीर कर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण, पूर्वोत्तर की कहानियाँ, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 पर। कैसे हैं चाचा? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस ठीक ही हूँ। और तुम्हारा कामकाज? ठीक ही चल रहा है। कुछ नाखुश लग रहे हो तुम? नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे कुछ है तो बता सकते हो तुम मुझे? चाचा जी क्या कहूँ, खुद कुछ करना चाहता हूँ पर हो ही नहीं रहा। कब तक भाई की कमाई देखता रहूँगा? मैं समझ सकता हूँ, बहुत ही खुददार लड़के हो तुम। ऐसी खुददारी का क्या फायदा चाचा जी? लेकिन तुम तो काम के सिलसिले में बाहर जाने वाले थे ना? हाँ चाचा, पर क्या चाचा जी, घर से बाहर रहकर मैं काम नहीं कर सकता। दिन रात घर की ही चिंता आती है, घर से बाहर रहकर मैं काम नहीं कर सकता। वाह, एक तुम हो जो अपनों को छोड़कर नहीं जाना चाहता, और एक वो रोहित है जो अपने सगे माँ बाप को छोड़कर शहर जाना चाहता है। छोड़िए ना चाचा, मैं भी चलता हूँ, बाद में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। जी चाचा जी, चलता हूँ। अच्छा, तुम ना यार बहुत दूर की सोचती हो। और तुम सोचती ही नहीं हो, तुम करना क्या चाहते हो? मैं शहर जाना चाहता हूँ। कब जा रहे हो? जल्दी, बस ये घर का इमोशनल अत्याचार थोड़ा सा कम हो जाए। अत्याचार घर वालों का? अरे तुम छोड़ो यार ये बात। तुम ना कैसी बातें कर रहे हो? यही एक चीज है जिससे मैं दूर भागना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट।
तुम जाओ, मैं भी चलती हूँ। अरे रुको, देखो देर हो रही है, घर पे पिताजी इंतजार कर रहे हैं और उनके अलावा मेरा और कोई नहीं है। चाचा, सभी चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़े, कुछ कर दिखाए, और यही कर गुजरने के चक्कर में जीवन के अहम पन्नों को नजरअंदाज करते हैं, और जब मालूम पड़ता है कि कुछ हो रहा है तब बहुत देर हो जाती है। चाचा, कुछ लोग मौका फरस्त होते हैं, उन्हें ना तो किसी के दुख से दुख होता है और ना ही किसी के खुशी से उन्हें खुशी मिलती है। कोमल, कहाँ गई थी तू? कुछ वादों की मतलब जानने। वादा? छोड़िए ना पिताजी। वैसे पंकज कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। खाना खाया तुमने? नहीं, जाके खाऊंगा। जाके क्यों? दोपहर का वक्त है, यही खाना खाओ। नहीं चाचा जी, बाद में आऊंगा, अभी मैं चलता हूँ। क्या जरूरत थी उसे खाने पे बुलाने की? क्या गलत किया मैंने? हाँ, उस रोहित से तो कई गुना अच्छा है ये पंकज। कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके हालात उसको मजबूर करते हैं। अच्छा, माँ बाप को छोड़कर दूर जाके रहना, ये भी हालात नहीं मजबूर किया है? देखिए पिताजी, सबके सपने अलग अलग होते हैं, इसमें कोई सही या गलत नहीं होता है। देख बेटी, मुझे जीवन का अनुभव है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, और अनुभव कभी गलत नहीं होता। ये चीज तू हमेशा याद रखना। मुझे पता है पिताजी कि आप सही हो, लेकिन कुछ बातें अगर अनुभव नहीं किया जाए तो समझ नहीं पाती। बाप रे, अरे मुझे बहुत जोर का भूख लगा है, कोई मुझे खाना तो दो। ठीक है, अभी परोसती। मामा जी, क्या आप शेर को डराते हैं? तुम तो हो ही बब्बर सर, माँ कहा है? वो पिताजी आज काम पे नहीं गए, सब लोग बुआ के घर गए हैं। अच्छा, ठीक है, हम दोनों चौकीदार मिलके चौकीदारी करेंगे। वैसे मामा जी, मामी कैसी हैं? मामी बहुत अच्छी है। खूब घूमे ना आप लोग? हाँ, तुम्हारे मामी को पूरा शहर घुमाया, फिर भी उसको शहर पसंद नहीं आया। मामा जी, आप भी क्या जानेंगे शहर की हवा के बारे में, सबको आकर्षित करती है। भांजे, गांव की मिट्टी की खुशबू ही अलग है। गांव की खुशबू? अरे इन दिनों तुम क्या कर रहे हो? मामा जी, मैं शहर जा रहा हूँ। काम मिल गया? हाँ, मिल ही जाएगा, वो कौन सी बड़ी बात है? वो तो है। वैसे मामा जी, आप खुशखबरी कब सुना रहे हैं? खुशखबरी? शादी के बाद से जब जब तुम्हारे मामी मायके जाती है, खुशखबरी आ जाती है। हाल ही में जाके आई है, पता नहीं कब खुशखबरी मिल जाए। हे भगवान, अभी कौन समझाएगा इस आदमी को? फिर क्या? मामा जी, आप बाप कब बनने वाले हैं? अच्छा, बात वो है, अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है, इसमें अभी समय है, पहले तुम्हारी शादी हो जाए फिर देखेंगे। भांजे, दीदी ने मुझे बहुत प्यार से पाला है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे तुम्हारे जैसे बड़े हो। इस घर की परवरिश मुझे बहुत पसंद है। मामा जी, आप भी तो इसी घर में बड़े हुए हैं, तो आप भी तो कर सकते हैं अपने बच्चों का परवरिश। क्यों ना हम बच्चे आने का इंतजार करें? मामा जी, मैं तो इंतजार नहीं कर सकता। वैसे मामी क्या चाहती हैं? जो भगवान दे वही हमें मंजूर है। अरे लड़का ही होगा, और फिर उस लड़के को मैं शहर लेके जाऊंगा, और फिर हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। बस बस, अभी चलो घर में। आइए आइए, बैग दीजिए। मैं बहुत जल्द जा रहा हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे हम लोग क्यों मिले? मैं जा रहा हूं तो सोचा कि एक बार मिल लूं तुमसे। अच्छा, तो आप चलो। तुम्हें कुछ काम है? नहीं, शायद तुम्हें होगा। मुझे तो कुछ काम नहीं, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। मैं जानता हूं तुम बाहर जाने वाली बात से उतनी खुश नहीं हो। तो तुम क्या नहीं जा रहे हो?
मेरा सपना है वो। सपने सबके होते हैं, पर टूट जाते हैं। क्यों टूटेगा, तुम भी अपना सपना पूरा करो। हाँ हाँ कर रही हूँ, हालांकि करने वाली हूँ। वेरी गुड, मैं जा रही हूँ। अरे अपनी शादी में बुलाना मत भूलना। जरूर। दीदी, जीजाजी की तबीयत क्यों खराब हो रही है? दिन भर उन्हें एक ही चिंता खाई जा रही है। क्या दीदी? अगर रोहित वापस नहीं आया तो? क्या क्या सोचते हो आप लोग? सोचूं नहीं तो क्या करूं? एक तो इनकी तबीयत खराब है और ये रोहित जाना चाहता है। बुरा ना मानो तो एक बात बोलो। बोलो। रोहित का बात मान के हमें उसे जाने देना चाहिए। क्या बात कर रहे हो, ये बात सुनकर उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। नहीं। आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग ऐसे जीत करोगे तो रोहित को रोक पाओगे? पता नहीं, मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा है। मैं एक सलाह दूं, रोहित की ना शादी करवा दो। एक बार बंधन में बन जाएगा तो लड़का रास्ते पे आ जाएगा। पर दीदी, मुझे पता है रामसासा की बेटी को रोहित पसंद करता है। अच्छा, तो तुम एक काम करो, उनसे एक बार बात करके देखो। ठीक है। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। अरे कहाँ जा रहा है? बस दुकान से सामान खरीदने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, ओए सुन तो, सुन 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 सुन, इधर आ। क्या हुआ? बात सुन। अरे बैठ ना यार। अरे एक सवाल पूछना था तुझसे। हाँ पूछ। तूने 10वीं तो पास की है ना? मैंने तो कब की 10वीं पास कर ली थी, लेकिन तू आज तक जा ही नहीं पाया। और इसी बात का दुख है मुझे। क्या बकवास कर रहा है? बकवास मैं नहीं, तू कर रहा है। तुझे क्या लगता है, मुझे कुछ नहीं पता? ये सब लोग मुझसे जल रहे हैं। जल रहे हैं? हाँ। तुझसे? हाँ। अरे किस बात के लिए जलन होगा भाई? भाई साहब, मैं शहर जो जा रहा हूँ, पूरा गांव जल रहा है मुझसे। तू शहर जा रहा है इसलिए गांव जल रहा है? हाँ। ना समझी कर रहा है तू। एक बार मैं शहर चला जाऊं, उसके बाद मेरी जूती भी नहीं आएगी इस गांव में वापस। अच्छा, देखना तुम। हाँ ठीक है, तू जा जा शहर जा, मैं देख लूंगा जूता आता है कि नहीं आता है, मैं देख लूंगा। देखेगा? देख लूंगा। हाँ, देखेगा तू? देखेगा तू? चल ठीक है। भैया दो साय देना। रोहित, तुमने जाने के लिए ठान लिया है क्या? जी। माँ बाबा की याद नहीं आएगी? और कोमल? याद तो आएगी, लेकिन मामा जी, मैं सच में जाना चाहता हूँ। और मेरे जाने से कोमल का क्या ताल्लुक है? माँ के बारे में एक बार भी ख्याल नहीं आया? मामा जी आप फिर से शुरू हो गए। शुरू हो गया मतलब? ये सुबह सुबह भाषण। मैंने शहर देखा हुआ है इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, और घर में ये सब बात हो नहीं सकती ना, इसलिए तुम्हें यहाँ लाया। मामा जी, अभी आपके समझाने या ना समझाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो दिख ही रहा है मुझे। मामा जी आप अपना काम कीजिए प्लीज। अपना हूँ इसलिए समझा रहा हूँ। अपने आगे बढ़ाते हैं, उत्साह देते हैं, पीछे नहीं खींचते। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पीछे खींच रहा हूँ? और नहीं तो क्या, ये कौन सी आगे बढ़ाने वाली बात है? तुम जाना चाहते हो?
ठीक है, जरूर जाओगे, मैं दीदी से बात करूंगा। मामा जी थैंक यू। ठीक है पिताजी, चाय। हाँ। आज कॉलेज नहीं जाना है? वो तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। क्या हुआ, माँ को बोला है? नहीं पिताजी, माँ वैसे ही बहुत चिंतित रहती है। चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी कुछ दिनों से आप लोग बहुत चिंतित रहते हैं। मैंने चिंता करना छोड़ दिया है, उसके बारे में सोच के क्या फायदा जो हमें कुछ भी नहीं समझता। ऐसी बात नहीं है पिताजी, भैया भी तो कुछ करना ही चाहते हैं। मैं सब समझता हूँ, पर क्या करूं, बाप हूं, तुम लोगों को तकलीफ में मैं नहीं दिख सकता। आपको जितना करना था आपने किया, अभी आपके बच्चों की बारी है। क्या बच्चे पास रहे कुछ नहीं कर सकता है क्या? आप इतना क्यों सोच रहे हो पिताजी, अभी कल तो मैं भी किसी और के घर चली जाऊंगी, तब क्या आप मुझे भी रोकोगे? कैसी बात कर रही हो, तू हुई कब इतनी बड़ी? ठीक है, तेरा भाई जाएगा बाहर। क्या हुआ? माँ मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या? अगर तुमसे कहूं भी क्या तू मानेगा कि घर छोड़ के नहीं जाते? माँ क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? भरोसे की बात नहीं है बेटा, मुझे डर लगता है। माँ किस बात का डर? अगर तू वापस नहीं आया तो? माँ आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके बिना रह पाऊंगा? मैंने सुना है कि शहर जाके लोग बदल जाते हैं। लोग बदलते हैं माँ, बेटा नहीं। मुझे तो बस यही फिक्र है कि तू जहाँ रहे खुश रहे। अगर आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ हो तो मैं जहाँ रहूंगा खुश रहूंगा। फिर भी माँ का मन है, नहीं मानता। अगर आप इतना चिंता कर रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे Mm-hmm.